सब्सक्राइब करिए भारत दस्तक को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। भारत दस्तक भोजनों को रखे सबसे आगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज मैं आर्टिकल 15 मूवी देखकर आ गया हूँ थिएटर में। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि मेरी टिकट बुक नहीं हो पा रही थी पेटीएम से, लेकिन मैं थिएटर गया, वहीं पर ही टिकट ली और देखकर आ गया। मूवी शानदार है, देखने लायक है। अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाके देख कर आओ। दोस्तों, मूवी की बात करें तो इसमें लीड रोल में है आयुष्मान खुराना, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं और एक सच्चे और ईमानदार आईपीएस ऑफिसर रहते हैं इसमें। और दोस्तों, इनके साइड रोल की बात करें तो सयानी गुप्ता, एम नसार और दोस्तों मोहम्मद अयूब। कहा जा रहा है कि मोहम्मद अयूब का रोल भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद से मेल खाता है। ऐसा आपको लगता है कि मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और दोस्तों, इसमें मनोज पावा का भी बहुत अहम किरदार है, बहुत शानदार रोल और बहुत शानदार एक्टिंग की है सभी एक्टरों ने। एक्टिंग के मामले में ये मूवी बहुत अच्छी है। डायरेक्शन की बात करें तो दोस्तों, इसमें अनुभव सिन्हा ने डायरेक्शन किया है, जो मुल्क जैसी मूवी भी बना चुके हैं पहले। मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी की स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले गाना चलता है, कुछ यूपी की रीजनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में गाना चलता है और उसमें कुछ दलित समुदाय के लोग बैठकर गाना गाते हैं। बाबा साहब के पीछे एक मूर्ति दिखाई देती है और बारिश होते हुए वो गाना चलता है। इसके बाद दूसरे ही सीन में क्या होता है, आयुष्मान खुराना जी की एंट्री होती है, जहां पर एक इंग्लिश गाना चलता है। तो दोस्तों, इस मूवी में आयुष्मान खुराना एक आईपीएस का किरदार निभा रहे हैं और वो एक एब्रॉड से पढ़ के आए हैं, यानी कि फॉरेन कंट्री से पढ़ के आए हैं और उनको इंडिया के जातिवाद के बारे में ज्यादा कुछ पता रहता नहीं है। वो इससे कह सकते हैं हम कि अनजान रहते हैं। फिर उनका इस जातिवाद से सामना होता है अपने पुलिस स्टेशन में आकर। दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमारे गांव देहात में किस तरीके का जातिवाद होता है, ये आपको देखने को मिलेगा फिल्म की स्टार्टिंग में ही, कि किस तरीके से एक पासी गांव से इनका गाड़ी गुजरती है आईपीएस ऑफिसर खुराना की, यानी कि आयुष्मान खुराना जी की। तो जो ड्राइवर रहता है और जो अंग रक्षक रहता है आयुष्मान खुराना की, वो कहता है कि ये पासी का गांव है, ये लोग सुअर पालते हैं, हम इनके यहाँ का खाना तो क्या पानी तक नहीं लेते। तो ये चीजें आपको वहां पर डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत मूवी में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से होता है, और ये रियल की सच्चाई है जो मूवी में दिखाया गया है, ये आज भी होता है। आपको दोस्तों यहाँ पर एक बात बता दूं, दलित समुदाय में किस तरीके का जातिवाद होता है, ये भी इस पिक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक किरदार है पुलिस ऑफिसर का, जिनका जो जाटव रहते हैं जात से, वो कहते हैं कि वो लोग तो पासी है, हमसे नीचे है, हम दलितों में भी शेड्यूल कास्ट में भी बहुत ऊपर आते हैं, हम तो उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर दलितों में भी जातिवाद दिखाया गया है। और दोस्तों, एक सीन ऐसा भी है जो मैं आपको पहले भी रिव्यू में बता चुका हूँ, जिसमें ब्राह्मण के अंदर जो जातिवाद होता है वो भी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। यानी कि आयुष्मान खुराना भी ब्राह्मण रहते हैं और जो इस मूवी का कह सकते हैं कि विलन है, जिसका नाम कुछ माझी करके रहता है, वो भी ब्राह्मण रहता है, लेकिन जो कास्ते रहता है वो क्या कहता है कि आप छोटे ब्राह्मण है, वो कान में कुछ बड़ा ब्राह्मण है। तो इस तरीके से हर समुदाय के अंदर का जातिवाद भी इसमें दिखाया गया है। और दोस्तों, बात करें फिल्म के अंदर नारी शक्ति की, तो इसमें मतलब महिलाओं को कुछ ज्यादा किरदार तो है नहीं। एक गर्लफ्रेंड रहती है आयुष्मान खुराना की, वो उनकी वाइफ तो नहीं रहती, गर्लफ्रेंड रहती है, उनका किरदार है जो जिसको ज्यादा दर्शाया भी नहीं गया है फिल्म के अंदर। और दोस्तों, एक जो मेन किरदार है महिला का, वो है सयानी गुप्ता का, जो कि एक दलित महिला रहती है और 9वीं कक्षा तक पढ़ी हुई रहती है, यानी कि उसने पढ़ाई करी रहती है 9वीं कक्षा तक, जो कि थोड़ी दलितों में समझदार रहती है। और उसकी एक बहन गायब हो जाती है, वहां पर 3 लड़की रहती है, 2 का बलात्कार करके मार दिया जाता है और एक लड़की गायब हो जाती है जंगल में कहीं पर। तो दोस्तों, वो उसकी बहन रहती है। तो सयानी गुप्ता का बहुत अच्छा रोल है। दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई आईपीएस ऑफिसर किस तरीके से ईमानदारी से काम कर रहा है किसी जातिवाद के खिलाफ, तो उसको किस तरीके से रोका जा रहा है, या उसी के डिपार्टमेंट के कुछ अफसर जो उसको काम करने से रोक रहे हैं, या फिर उसमें वो मिले हुए है बलात्कार के अंदर, हत्या के अंदर, वो भी उसमें सम्मिलित है। फिल्म के अंदर गानों की बात की जाए और एंटरटेनमेंट की बात की जाए, तो दोस्तों गानों के लिए इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। एक आधे गाना है जो कि शुरुआत में होता है, और दोस्तों रोमांस भी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी शून्य रोमांस है, लेकिन थ्रिलर बहुत है और इन्वेस्टिगेशन टाइप की मूवी है, तो देखने में आपको पूरा मजा आएगा और मन लगा रहेगा।
और दोस्तों मूवी में सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात मुझे देखने को मिली कि मूवी में आपको बहुत सी जगह जय भीम का नारा सुनने को मिलेगा। अगर आप मूवी देख चुके हैं तो आपको पता ही होगा, नहीं देखी हो तो जाओ यार नजदीकी सिनेमा घरों में और जाके देख भी लो, जय भीम का नारा आपको बहुत सी जगह देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो एक कैरेक्टर है जिसका नाम रहता है निषाद, जो कि कहा जा रहा है ना कि भीम आर्मी के संस्थापक से रिलेटेड कैरेक्टर है, हो भी सकता है, वो भी अपनी मूंछे पे आखिर में ताव देता है, उनके भी डायलॉग्स बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं। वो बंदा पढ़ने में अच्छा रहता है लेकिन जातिवाद के कारण और विद्रोह के कारण पढ़ नहीं पाता है। इसमें भैया बाबाओं के बारे में बताया गया है कि बाबा किस तरीके से गरीबों के घर यानी कि दलितों के घर खाना खाने आते हैं और खाना और बर्तन अपने घर से लाते हैं। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, कंटेंट की कमी नहीं है मूवी में, बस आप अपने नजदीक के सिनेमा घर में जाइए, मूवी देखिए और अपना जो भी ओपिनियन है, अच्छी लगी हो चाहे बुरी लगी हो, सोशल मीडिया है आपके पास, वहां पर जाके आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, नीचे कमेंट बॉक्स से वहां पर जाके भी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा मूवी का ओपिनियन यही है, आखिर में एट लास्ट की मूवी देखने लायक है, बहुत अच्छी है, जाके देखो अभी तक नहीं देखी है तो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पे पहली बार आए हो, भोजन कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब मारो, क्या देख रहे हो लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी करो बस सब्सक्राइब कर दो और घंटा जरूर बजा देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।